बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बेहतरीन यखनी पुलाव बनाने आज की रेसिपी हम बनाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। यहाँ पर 750 ग्राम बीफ का गोश्त है। कुछ साबुत मसाले हैं, एक खाने का चम्मच सौंफ, दो खाने के चम्मच साबुत धनिया, एक खाने का चम्मच जीरा। यहाँ पर दो टुकड़े दार चीनी के, एक बड़ी इलायची, चार छोटी इलायची, छः अदद लौंग पत्ते, एक गट्ठी लहसुन की, एक दरमियानी साइज का चॉप किया हुआ प्याज। ये सारी चीज़ें वन बाई वन आपने प्रेशर कुकर में गोश्त में शामिल कर देनी है। अब पानी कितना चाहिए? लेकिन देखिए, पानी तो हमें चावल के हिसाब से चाहिए, लेकिन प्रेशर कुकर में हम उतना ही पानी डालेंगे जितना प्रेशर कुकर की स्पेस है। तो 2 लीटर मैंने पानी शामिल कर दिया है। जितनी यखनी बनेंगे उसके अलावा भी हम पानी चावल में ऐड कर सकते हैं। विसल स्टार्ट होगी तो पूरे 20 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। 20 मिनट के बाद इंशाल्लाह गोश्त गल जाएगा। साथ ही साथ कुछ दूसरी तैयारी कर लेते हैं। दो मैंने दरमियाने साइज के टमाटर लेकर उनको चॉप कर दिया। आधी गट्ठी पुदीने की आपने शामिल करनी है, पुदीने के पत्ते। यहाँ पर एक छोटे साइज का लीमू स्लाइस में काट कर वो भी शामिल कर देंगे। एक खाने का चम्मच हम इसमें इमली शामिल करेंगे, और जी एक खाने का चम्मच ही इसमें हम डाल रहे हैं आलू बुखारा, सूखा आलू बुखारा। इसको साइड पर रखते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब क्या करेंगे, यखनी में से गोश्त को अलग कर लेंगे। और यखनी को आपने क्या करना है, आपने यखनी को छान लेना है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे साबुत मसाले डाले हैं। ये साबुत मसाले हमें चावलों में नहीं चाहिए, पुलाव में नहीं चाहिए, तो आपने इसको छान लेना है और यखनी को अलग कर लेना है। एक किलो चावल बनाने के लिए आपको चाहिए होगा पूरे 1 कप तेल का। तेल आपने शामिल कर देना है। गर्म करेंगे तेल को। 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करके आपने इसको फ्राई करना है। इसको गोल्डन कलर आने देंगे। जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई होगा, आपने इसमें गोश्त शामिल कर देना है। अब गोश्त की आपने तेल में भुनाई करनी है। आपने सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रखते हुए गोश्त को अच्छे से भून लिया है। अच्छा जी, गोश्त की भुनाई करने के बाद मैंने सारे हरे मसाले शामिल कर दिए हैं। अब आप बारी आ जाती है नमक की। इसके बाद हम इसमें किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला शामिल करेंगे, जो कि 1 खाने का चम्मच मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 खाने के चम्मच यानी कि तकरीबन मेरे पास 15 हरी मिर्चें थी, उनका पेस्ट बनाकर वो भी मैंने शामिल कर दिया। बस की भुनाई शुरू कर देते हैं। आपने मीडियम फ्लेम पर रखते हुए कम अज कम मसाले को 5 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। वक्त वक्त से आप पानी डाल सकते हैं। 5 मिनट मैंने गोश्त की अच्छे से मसालों के साथ भुनाई कर ली है, ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छे से गोश्त में चला जाए। इसके बाद हम पानी शामिल करेंगे। देखिए, चावलों को आप नाप लिया करें। मैंने 1 किलो चावल लिए, जो कि मेरे पास 4 गिलास चावल बने थे। 4 गिलास चावल के हिसाब से डबल करें तो 8 गिलास पानी के बनते हैं, लेकिन पुलाव में आपने 8 गिलास पानी नहीं डालने, आपने 6 गिलास पानी के शामिल करने हैं। यानी कि जितना डबल करके आप पानी बनता है ना, उसके तीसरा हिस्सा आपने पानी डालना होता है, एक हिस्सा छोड़ दिया करें। अच्छा जी, पानी डालने के बाद यखनी में उबाल आ चुका था, तो चावल मैंने शामिल कर दिए। पुराने बासमती चावल लीजिएगा, अच्छे बनते हैं, दाना भी लंबा लंबा होता है चावलों का। तो जो चावलों को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो कर रखा था वो डाल दिया है। खुशबू के लिए मोटी वाली हरी मिर्च डालिएगा। बस ढक देते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर। आपने पानी खुश होने तक आपने चावलों को कुक कर लेना है। जब आप देखें कि हल्की हल्की सी नमी रह जाती है चावलों में, पानी को बहुत ज्यादा खुश्क नहीं करना होता, बस हल्का सा मॉइस्चर रहना चाहिए, तब आपने दम पर लगाना होता है। तवे के ऊपर दम आपने रखना है। 5 मिनट हल्की आंच पर दम पर रखिएगा। उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है, लेकिन दम से नहीं हटाना। 15 मिनट आपने बर्तन को इसी तरह रहने देना होता है। उसके बाद दम हटाएंगे तो मजेदार पुलाव बनकर तैयार है।